आज हम एक चाइनीज ड्रामा देखने वाले हैं जो कि एक रोमांटिक ड्रामा है। स्टोरी की शुरुआत में हम सॉन्ग नाम की गर्ल को देखते हैं जो बहुत ही भोली वाली है, इनोसेंट है, पार्ट टाइम जॉब करती है। अभी वो अपने मॉम से बात कर रही होती है पर तभी उसे कोई किडनैप कर लेता है। कुछ ही सेकंड बाद हम देखते हैं कहानी का मेन लीड जो फियान उसके सामने है, बहुत ही जिद्दी है और पोजेसिव है। वो सॉन्ग को कहता है कि मैं तुम्हें 5 दिन देता हूँ, इसके अंदर ही तुम्हें हमारी वेडिंग को रोकना है। यहाँ सॉन्ग को पता नहीं होता कि उसके पेरेंट्स ने इन दोनों की वेडिंग तय कर दी है। सॉन्ग कहती है मुझे कुछ भी नहीं पता, पर जो चोफियान था वो गुस्से में कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें इस वेडिंग को रोकना ही होगा। वो संग को बार बार टच करने की भी कोशिश करता है। अब मजबूरी में सॉन्ग को उसकी बात माननी पड़ती है। वो कहती है ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी इस वेडिंग को रोकने की। सॉन्ग के हाथ बंधे हुए थे, चोफियान उसके हाथ खोलता है, उसे डराते हुए कहता है कि ध्यान रखना अगर तुम उसे कैंसिल नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। सॉन्ग बिल्कुल डर जाती है, वो समझ नहीं पाती आखिर ये बंदा कौन है, मैं अचानक इसके घर में कैसे आई और मेरी वेडिंग किसने तय कर दी। अब सॉन्ग जैसे ही बाहर जाती है वो अपने मॉम को कॉल करती है। उसकी मॉम से डांटते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें कई बार कॉल की, तुमने कॉल क्यों नहीं उठाया। अब सॉन्ग फटाफट हॉस्पिटल जाती है जहाँ उसका भाई एडमिट है। उसकी मॉम भी वहीं पर होती है। आज जो भी हुआ था वो सारी बात सॉन्ग अपनी मॉम को बताती है। उसकी मॉम कहती है हाँ, मैंने तुम्हारी वेडिंग उसके साथ तय की है और वो बहुत ही रिच इंसान है। सॉन्ग कहती है नहीं, मैं ऐसे कैसे किसी के साथ वेडिंग कर सकती हूँ, मैं ये वेडिंग नहीं करना चाहती। पर उसकी मॉम उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है नहीं, तुम्हें ये करना ही होगा, एक ना एक दिन तो तुम्हें शादी तो करना ही है, तो क्यों ना एक रिच बंदे से ही कर लो। सॉन्ग परेशान हो जाती है, वो अपनी मॉम को रोकने की कोशिश करती है पर उसकी मॉम बहुत ही लालची थी। वो बार बार उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है। वो कहती है कि मैंने डाउरी में 20 मिलियन उनसे लिए हैं, उनमें से कुछ मैंने हॉस्पिटल बिल में भी लगा दिए। अब हम देखते हैं शाम हो चुकी है, सॉन्ग चोफियान के घर जाती है तो उसी बंदे के पास जिसके साथ उसकी वेडिंग तय हुई है। सॉन्ग जैसे घर में एंटर करती है वो देखती है कि चोफियान उसके सामने ही है, सोफे पे बैठा हुआ है बिल्कुल बॉस की तरह। सॉन्ग को तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसे क्या कहे, फिर भी वो उसके पास जाती है। उसे कहती है कि मेरी मॉम और तुम्हारी फैमिली ने इस वेडिंग को तय किया है पर मैं क्या करूं। चोफियान को गुस्सा आ जाता है, वो उसके पास जाता है, उसके बिल्कुल पास चला जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें सुबह जाते हुए कहा था वापस आना तो वेडिंग को कैंसिल करके आना, पर तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। लगता है तुम मेरी वाइफ बनना चाहती हो, मुझे भी हस्बैंड की ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। वो उसके पास जाता है, उसे फोर्सफुली किस करता है। सॉन्ग उसे चाटा मारती है। चोफियान को और भी गुस्सा आ जाता है, वो उसके और भी पास जाने लगता है पर तभी सॉन्ग बेहोश होने लगती है क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा था, उसको हल्का फीवर भी था। चोफियान ये देख उसको दया आ जाती है, चोफियान उसको मेडिसिन देता है। सॉन्ग को ये सब देख अच्छा लगता है। वो चोफियान को कहती है कि देखो मैं नहीं जानती कि वेडिंग कब और कैसे तय हुई लेकिन हम डिवोर्स कर सकते हैं। चोफियान भी मान जाता है, वो उसके पास जाने लगता है। सॉन्ग घबरा जाती है। अब चोफियान कहता है कि जाओ मेरे लिए डिनर बनाओ। सॉन्ग उसके लिए डिनर बनाती है। चोफियान कहता है तुम अपने लिए प्लेट क्यों नहीं लाई। सॉन्ग का मन नहीं था उसके साथ खाने का पर चोफियान कहता है नहीं, तुम्हें मेरे साथ खाना होगा, अगर तुमने मेरे साथ नहीं खाया तो डिवोर्स भूल जाना। अब मजबूरी में सॉन्ग को उसके साथ खाना पड़ता है। अब सॉन्ग को घर जाना था, वो देखती है कि बाहर बारिश हो रही है। वो अब सोचती है कि मैं अब अंदर जाऊं या नहीं जाऊं, कहीं चोफियान फिर से मुझ पर गुस्सा करे। फिर भी वो हिम्मत करके अंदर चली जाती है। उधर चोफियान बात ले रहा था, वो बात लेके बाहर आता है। सॉन्ग को वापस देखकर उसे पूछता है वापस क्यों आ गए तुम। सॉन्ग उसे सारा कुछ बता देती है कि बाहर बारिश हो रही है, कुछ देर के लिए मुझे रुकने दो। चोफियान कहता है ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ लेकिन तुम यहाँ रुक सकती हो। सॉन्ग मन में सोचती है कि मैं भी पागल हूँ, मैंने सीधा क्यों नहीं कह दिया कि मुझे तुम घर छोड़ दो। अब सॉन्ग तो घर में अकेली थी। कुछ घंटे बाद हम देखते हैं कि चोफियान घर में आता है। सॉन्ग जो थी वो सोफे पे सो चुकी थी। चोफियान उसके पास आता है, धमकी देते हुए कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो मेरा हक है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। सॉन्ग बिल्कुल डर जाती है, वो उसे दूर करती है पर चोफियान उसे तंग करने लगता है। ऐसा लग रहा था कि चोफियान ड्रंक है इसलिए वो ऐसी हरकत कर रहा था। सॉन्ग बहुत ही कोशिश करती है उसे दूर होने का पर चोफियान उसकी गोद में ही सो जाता है। अब सुबह हो चुकी थी, हम देखते हैं दोनों बिल्कुल पास थे और सोए हुए थे। चोफियान की जब नींद टूटती है वो सॉन्ग के पास था, ये देखकर वो डर जाता है। वो उसे डांटते हुए कहता है कि तुम अब तक घर नहीं गई और तुम मेरे पास कैसे आ गई। सॉन्ग कहती है वो तुम थे जो मेरे पास आने की कोशिश कर रहे थे, मैं तुम्हें दूर कर रही थी पर तुम्हें ड्रंक थे। चोफियान कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, अगर तुम पनिशमेंट नहीं चाहती, मेरे पास नहीं आना चाहती तो जल्दी से इस वेडिंग को कैंसिल करवाओ। सॉन्ग अब किसी तरह वहाँ से बाहर निकलती है। वो मन में कहती है कि मैं जब भी इस घर से बाहर निकलती हूँ बिल्कुल लूजर की तरह हारते हुए। उधर चोफियान जो था वो अपने डैड से बात करता है। उसके डैड कहते हैं कि कल रात तुम सॉन्ग के साथ थे, तुम दोनों ने नाइट प्लान किया, अब तो तुम्हें वेडिंग जरूर करना होगा, तुम इसे कैसे भी कैंसिल नहीं कर सकते। चोफियान बहुत ही गुस्से में था, वो मन में सोचता है कि सॉन्ग तुम कौन हो, तुम मेरी लाइफ को बर्बाद करने में लगी हो। उधर सॉन्ग एक पेस्ट्री शॉप में जाती है जहाँ पर वो जॉब करती है। उसकी जो कलीग थी वो बहुत ही अकड़ू थी, वो हमेशा उसे डांटती रहती थी पर सॉन्ग बस चुपचाप अपने काम करने में लगी थी। तभी वहाँ चोफियान आता है, उसे देख सॉन्ग बिल्कुल हैरान थी। वो कहती है तुम्हें क्या चाहिए। चोफियान कहता है मुझे तुम चाहिए। वो अब उसका हाथ खींचते हुए बाहर लेके आता है। सॉन्ग पूछती है तुम क्या कर रहे हो।
अब चूफियान गुस्से में उसे अपनी कार में बैठाता है और उसे धमकी देते हुए कहता है, तुम कौन हो, तुम क्या चाहती हो। सॉन्ग कहते हैं कि मैं क्या, तुम नहीं जानते मेरे बारे में, मैं भी यहाँ विक्टिम हूँ, मैं इस वेडिंग को नहीं चाहती। अब चूफियान उसे गुस्से में कहता है, तुम मेरे डैड से मिलो, अपनी मोम से मिलो, कैसे भी उन्हें कन्विंस करो इस वेडिंग को कैंसिल करो, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें अफ्रीका भेज दूंगा। और मैं झूठ नहीं बोलता। सॉन्ग ये सुन बिल्कुल डर जाती है, वो कहती है ठीक है मैं कैंसिल करके रहूंगी वेडिंग। चूफियान के जाते ही वो गुस्से में चिल्लाती है, कहती है कि तुम बहुत ही अकड़ू हो। अब सॉन्ग सीधा अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है कि मैं मल्टीपल जॉब कर लूंगी, दिन रात काम करूंगी, लेकिन प्लीज मैं इस वेडिंग को कैंसिल करना चाहती हूँ। पर उसकी मॉम बहुत ही लालची थी, वो फिर से इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है उसे। वो कहती है कि तुम्हें पता है ना, मैंने कितने सारे मेडिकल बिल्स में भी खत्म कर दिए हैं, तुम्हारी भाई की जान जा सकती है अगर हमने टाइम पे इलाज नहीं करवाया। सॉन्ग जब अकेली में थी वो एक फोटो देखकर बहुत ही स्माइल करती है, जिसमें वो और उसके साथ एक बॉय था। उधर चूफियान बहुत ही गुस्से में था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब तक उसने वेडिंग कैंसिल नहीं किया है, वो अपने डैड और ग्रैंडमा के साथ था। ग्रैंडमा ये सुन बहुत ही खुश थी कि उसने एक गर्लफ्रेंड बना ली है जिसका नाम सॉन्ग है, पर असलियत तो हम जानते हैं कि उसके डैड ने उसकी वेडिंग तय की है। वो अपने ग्रैंडमा को इस सच्चाई बताने की कोशिश करता है, पर ग्रैंडमा तो बस अपने आप में लगी थी। वो कहती है कि जल्द से जल्द वेडिंग करो, मुझे तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन देखने हैं। नेक्स्ट डे सॉन्ग जब अपने जॉब पे थी, उसकी जो कलीग थी वो उसे फिर से ताने दे रही थी, उसे कह रही थी अपने प्राइवेट मैटर को जॉब से दूर रखा करो, रोज रोज तुम्हारे बॉयफ्रेंड यहाँ पे आते हैं, वैसे वो बहुत ही रिच है, मुझे नहीं लगता तुम उसके काबिल भी हो। सॉन्ग बिल्कुल चुपचाप थी, वो उसे फाइट नहीं करना चाहती थी। तभी कुछ सेकंड बाद वहाँ चूफियान आता है, वो सॉन्ग से कहता है तुम्हारी छुट्टी कब हो रही है। उसकी कली कहती है जब तक कि ये सारा माल ना बिक जाए। अब चूफियान वो सारा कुछ अपने लिए पैक करवा लेता है, सॉन्ग को फटाफट घर लेके आता है, उसे कुछ कागज दिखाता है। सॉन्ग जब चेक करती है वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर थे। वो चूफियान को कहती है कि ये क्या है, हम तो डिवोर्स कर रहे थे ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों। चूफियान कहता है चुपचाप साइन करो, अगर नहीं किया तो क्या तुम मेरी रियल वाइफ बनना चाहती हो, अगर ऐसा है तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। वो सॉन्ग के पास आने लगता है, सॉन्ग बिल्कुल डर जाती है, वो कहती है ठीक है मैं साइन कर दूंगी। वो फटाफट साइन करती है। अब चूफियान सॉन्ग से कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ चाहती हो। सॉन्ग कहती है कि हाँ, ये एक फेक मैरिज है तो कभी भी हमारे बीच कोई भी फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होगा। चूफियान मान जाता है और कहता है ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम कभी भी किसी मैन के पास ज्यादा पास मत जाना, ना तुम मुझे चीट करोगी और ना ही मैं तुम्हें, जब तक कि हम डिवोर्स नहीं ले लेते। अब सॉन्ग रात को वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़ने लगती है, उसमें सारे रूल चूफियान के थे। उसमें लिखा था हस्बैंड जो चाहे वाइफ के साथ कर सकता है, हस्बैंड के पास पूरी पावर है, वाइफ के पास बिल्कुल नहीं है। सॉन्ग ये पढ़ बिल्कुल पागल हो जाती है, वो कहती है चूफियान तुम बहुत ही बेकार हो। अब हम देखते हैं दोनों की वेडिंग हो चुकी है। अब सॉन्ग चूफियान के घर में रहती है, वो चूफियान से पूछती है कि मैं किस रूम में सो सकती हूँ, वैसे मैं लिविंग रूम में सोना चाहती हूँ, पर चूफियान कहता है नहीं तुम्हें बेडरूम में सोना है। सॉन्ग जब मना करती है तो चूफियान उसके पास जाने लगता है और कहता है क्यों ना हम इस मैरिज को अभी रियल कर दें। सॉन्ग डरते हुए कहती है ठीक है मैं बेडरूम में सो जाऊंगी। अब हम देखते हैं कि बेडरूम में वो सो चुकी है, उसे नींद भी आ चुकी है, पर तभी चूफियान उसके बिल्कुल पास आ जाता है, ऐसा लगा था वो उसे किस करने वाला है। सॉन्ग कहती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमने ये शर्त रखी थी कि कोई भी फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होगा। पर तभी चूफियान कहता है मुझे भूख लगी है, जल्दी से डिनर बनाओ। अब जैसे सुबह होती है सॉन्ग तैयार होकर अपने जॉब पे जाने लगती है, वो देखती है कि चूफियान भी उसका वेट कर रहा है। चूफियान कहता है कि अब से मैं तुम्हें रोज ड्रॉप करूंगा। सॉन्ग बार बार मना करती है, चूफियान कहता है नहीं मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम जितनी बार मना कर रही हो तुम्हें उतनी बार पनिशमेंट मिलेगी। सॉन्ग डर जाती है, वो कहती है ठीक है तुम मुझे ड्रॉप कर सकते हो। अब चूफियान सॉन्ग को वहाँ पर छोड़ने जाता है, बीच रास्ते में ही सॉन्ग उतर जाती है। चूफियान मन में सोचता है मैं इतना रिच हूँ फिर भी सॉन्ग इतना शर्माते क्यों है, इतने एम्बेरस क्यों है लोगों को दिखाने में कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं चूफियान सॉन्ग को अपने डैड के पास लेके जाता है, उनसे मिलवाने जाता है। उसके डैड सॉन्ग को देख बहुत ही खुश थे, वो वेडिंग के गिफ्ट के रूप में उसके बैंक में 3 मिलियन डाल देंगे, पर ये बात सॉन्ग को कहते हैं। पर तभी चूफियान की सिस्टर वहाँ आती है, वो बहुत ही गुस्से में थी सॉन्ग को देखकर। वो कहती है इतनी लालची दुल्हन आते ही हमारे घर में लूटने लगी, तुमने क्या किया चूफियान के पास आने के लिए। सॉन्ग तो बिल्कुल चुपचाप थी, वो समझ नहीं पा रही थी वो क्या करे। चूफियान बहुत ही गुस्से में जाता है, वो अपनी सिस्टर को डांटता भी है। उसकी सिस्टर गुस्से में आकर वो अपने रूम में चली जाती है। अब चूफियान सॉन्ग को गोद में उठाते हुए कार में बैठाता है और जल्दी से घर लेकर आता है। फाइट के टाइम सॉन्ग के पैरों में चोट आ जाती है, चूफियान उसके पैरों को दबाता है, उसकी बहुत ही केयर कर रहा था। सॉन्ग को बहुत ही अच्छा लगता है। चूफियान उसे कहता है कि जब तुमसे कोई फाइट करे तुम्हें भी फाइट पैक करना चाहिए। सॉन्ग बस उसकी बातों को सुनते जा रही थी। अब चूफियान उसके धीरे धीरे पास आने लगता है, सॉन्ग आंखें बंद कर लेती है। तभी चूफियान कहता है कल सुबह ब्रेकफास्ट बना देना और जल्दी से सो जाना। अब हम देखते हैं सॉन्ग लगभग सो चुकी थी, पर बीच में वो पानी के लिए उठती है। वो देखती है कि चूफियान स्लीप वॉक कर रहा है, वो अब उसे उसके रूम में छोड़ने जाती है, उसे ब्लैंकेट उठाने लगती है। पर तभी चूफियान की नींद टूट जाती है, वो गलत सोचने लगता है। वो सोचता है कि सॉन्ग उसे सीड्यूस करने की
की कोशिश कर रही है। सॉन्ग कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम स्लिप वॉक कर रहे थे, मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। चुफियान अब उसको फोर्स करते हुए कहते हैं नहीं तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तुम मुझे सीडियोस कर रही हो। चुफियान बस अब उसके पास आ रहा था। सॉन्ग बिल्कुल डर जाती है, वो उसे बाइट कर लेती है और डांटते हुए कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब चुफियान कहता है ठीक है, लेकिन अगली बार अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मेरे बेड के पास आई तो मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। सॉन्ग अब डरते हुए अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट डे जैसे होता है सॉन्ग बिल्कुल डरी हुई थी, वो अपना सामान पैक करते हुए घर छोड़ने की सोच रही थी, पर चुफियान उसे पकड़ लेता है। वो उसे कहता है क्या तुम घर छोड़ने की कोशिश कर रही हो, अगली बार तुमने ऐसा सोचा भी तो मैं तुम्हें 10 times स्पैंक करूंगा। सॉन्ग ये सुन बिल्कुल डर जाती है। अब चुफियान उसके पास आता है और कहता है इस बैंडेज के बारे में बताओ। सॉन्ग कहती है कि देखो कल रात मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी, तुम स्लिप वॉक कर रहे थे और फिर वो हादसा हुआ। चुफियान कहता है मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने इतना बड़ा बैंडेज क्यों दिया मुझे। सॉन्ग हंसते हुए कहती है क्योंकि घर में सिर्फ यही बचा था और जो मिला मैंने तुम्हें दे दिया। चुफियान कहता है ठीक है अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ और घर छोड़ने की सोचना भी मत, अगर ऐसा किया तो अभी याद रखना जो पनिशमेंट मैं तुम्हें देने वाला हूँ। तभी कुछ देर बाद उसके घर पे एक पार्सल आता है, सॉन्ग घर पे थी वो रिसीव करती है। जब वो चेक करती है उसमें जेनिफर नाम की गर्ल ने एक परफ्यूम भेजा था और बहुत ही सीडक्टिव थॉट्स लिखे थे, जिसे देख सॉन्ग बहुत ही जेलस होती है। अब वो जॉब पे चली जाती है, जॉब पे वो बहुत ही गुस्से में काम कर रही थी। उसकी कलीग जो थी वो आग में घी डालने लगती है, वो कहती है कि क्या तुम्हारे रिच बॉयफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दे दिया, वैसे भी तुम उसके लायक नहीं थी। पर सॉन्ग सब कुछ बर्दाश्त करती है, वो बिल्कुल साइलेंट रहती है। ये देखकर उसकी कलीग को गुस्सा आ जाता है, वो तो चाहती है सॉन्ग से फाइट करना। अब उसकी कलीग जानबूझकर वहां क्रीम गिरा देती है, जिससे सॉन्ग का काम और भी बढ़ जाता है और मैनेजर से उसे डांट पड़वाने लगती है। क्रीम जो गिरा था वो कलीग ने गिराया था, पर नाम सॉन्ग का लग जाता है। मैनेजर कहती है अगर तुम्हारे कारण कोई भी नुकसान हुआ तो कल मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। सॉन्ग ये सुन बिल्कुल घबरा जाती है। अब हम देखते हैं कि सॉन्ग अकेले एक कोने में बस रोए जा रही है क्योंकि उसकी जॉब कल जा सकती है। चुफियान उसे कई बार कॉल करता है पर सॉन्ग उसका कॉल नहीं उठाती। अब हम देखते हैं कि चुफियान उसे मिलने आता है, उस टाइम सॉन्ग बहुत ही रो रही थी। चुफियान उसे प्यार से पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, ऐसा क्या हो गया। सॉन्ग उसे सारी बात बताती है, ये सुनकर चुफियान हंसने लगता है, वो कहता है सिर्फ इतनी सी बात, तुम इस पर रो रही हो। अब हम देखते हैं कि सॉन्ग अपनी जॉब पे है, वहीं पर पार्सल आता है, जो क्रीम गिर गया था उससे भी एक्सपेंसिव क्रीम वहां पर डिलीवर की जाती है। और ये सब था चुफियान की तरफ से। जो पार्सल वाला था वो सॉन्ग को थैंक्स कहता है। ये देख मैनेजर और कलीग बिल्कुल शॉक थे। अब हम देखते हैं कि चुफियान सॉन्ग को लेकर अपने पेरेंट्स के घर जाता है, वहाँ वो अपनी ग्रैंडमा से मिलता है। ग्रैंडमा दोनों की बहुत तारीफ करती है, सॉन्ग को ऊपर से नीचे देखती है और कहती है तुम बिल्कुल परफेक्ट हो बेबी को फीड करने के लिए। वैसे ये बताओ तुम दोनों कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हो। सॉन्ग तो बिल्कुल एम्बेरस फील करती है, वो कहती है कि हाँ हाँ नहीं नहीं, और फिर शर्माते हुए टॉयलेट की तरफ चली जाती है। चुफियान ये देखकर बहुत हंसता है और ग्रैंडमा भी। सॉन्ग तो इस घर में नहीं थी, वहीं पर चुफियान की सिस्टर थी, वो उसे रेस्टरूम का रास्ता पूछती है। उसकी सिस्टर बता देती है चुफियान की सिस्टर थी वो तो सॉन्ग से नफरत करती है। अब उसके खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आता है, वो अपनी इयररिंग्स निकालकर सॉन्ग के पर्स में डाल देती है। जब सॉन्ग और चुफियान साथ में घर जाने लगते हैं तभी चुफियान की सिस्टर आती है, वो आते ही सॉन्ग को चाटा मारती है और डांटते हुए कहती है कि तुमने मेरी इयररिंग्स चुरा ली है। चुफियान और सॉन्ग ये सुन बिल्कुल शॉक थे। सॉन्ग बार बार कहती है कि नहीं मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी इयररिंग्स क्यों चुराऊंगी। पर जो चुफियान की सिस्टर थी वो बिल्कुल ना समझती, वो बस उसे डांटे जा रही थी। चुफियान कहता है ठीक है, वो पर्स चेक करता है उसमें इयररिंग्स थे। अब चुफियान कहता है मेरे पास एक तरीका है, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ, पुलिस आएगी सब कुछ चेक करेगी, फिंगरप्रिंट जिसके होंगे वही दोषी होगा। ये सुन चुफियान की जो सिस्टर है वो बिल्कुल डर जाती है, वो कहती है नहीं नहीं शायद मैंने इन्हें गलत समझ लिया, मेरे इयररिंग्स तो शायद घर में ही है। चुफियान कहता है नहीं सॉन्ग से माफी मांगो। अब उसकी सिस्टर सॉन्ग से माफी मांगती है, सॉन्ग उसे माफ कर देती है, वो उसे बिल्कुल नहीं डांटती। चुफियान ये देखकर थोड़ा सा गुस्से में था, वो उसे कहता है तुमने उसे डांटा क्यों नहीं। सॉन्ग कहती है मैंने कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, ना ही किसी को ऐसे डांटा है। चुफियान कहता है याद रखो जब तुमसे कोई फाइट करे तुम्हें फाइट बैक करना चाहिए, और अब तुम मेरी वाइफ हो तुम्हें फाइट करना सीखना होगा। सॉन्ग चुफियान को थैंक्स कहती है, वो उसे किस भी करती है। चुफियान बहुत ही खुश होता है अंदर ही अंदर, पर वो रिएक्ट नहीं करता और कहता है तुम ही कहती हो कि ये फेक मैरिज है, पर तुम्हारा रिएक्शन बिल्कुल नहीं कहता। अब हम देखते हैं सॉन्ग अपनी जॉब पे है, बाहर से कोई गेस्ट आने वाला था। हम देखते हैं कि इस शॉप का ओनर आने वाला था जो कि मिस्टर सेन थे। मिस्टर सेन को देखकर सॉन्ग बहुत ही खुश हो जाती है, दोनों बहुत ही फ्रेंडली लग रहे थे। अब हमें पता चलता है कि मिस्टर सेन जो है वो सॉन्ग के स्कूल के टीचर थे। वैसे स्कूल टाइम में सॉन्ग मिस्टर सेन को लाइक करती थी। कुछ देर बाद जो कलीग थी वो सॉन्ग को ताना मारते हुए कहती है क्या बात है हर रिच बंदा तुम्हारा दोस्त निकलता है,
अच्छा तुम एक काम कर सकती हो, मेरी थोड़ी सी तारीफ कर देना ताकि मेरा प्रमोशन हो सके। वैसे तुम तो पहले ही सेट हो। अब सॉन्ग को उसके मॉम का कॉल आता है, वो अपनी मॉम से मिलने जाती है। हम देखते हैं कि उसकी मॉम अपार्टमेंट से किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो रही थी। सॉन्ग अपनी मॉम से बात करती है, वो कहती है कि आप कहाँ जा रहे हो। उसकी मॉम कहती है कि तुम तो रिच बंदे के साथ सेट हो गई, लेकिन मेरा क्या, मुझे भी तो कहीं सेट होना पड़ेगा। सॉन्ग की मॉम ने जो पैसे चोफियान से लिए थे उनसे एक बड़ा घर खरीदा था। सॉन्ग कहती है आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, वैसे भी हमें एक दिन वो सारे पैसे चोफियान को लौटाना है। पर जो सॉन्ग की मॉम थी वो सॉन्ग को बस डांटे जा रही थी, उसे स्लैप भी करती है और कहती है मैं तुम्हें बेच चुकी हूँ, अब तुम मेरी लाइफ बर्बाद करने की कोशिश मत करो। सॉन्ग ये सुन रोने लगती है, वो परेशान हो जाती है कि क्या सच में मेरी मॉम ने मुझे बेच दिया चोफियान को। तभी चोफियान उसे मिलता है और कहता है कि तुम्हें किसने तंग किया। सॉन्ग उसे सारा कुछ बता देती है, कहती है कि क्या मेरी मॉम ने मुझे तुमको बेच दिया है। चुफियन कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। पर सॉन्ग जो थी बहुत ही परेशान थी, वो चुफियन को कहती है प्लीज अभी डिवोर्स मत करना, क्योंकि अगर हमने डिवोर्स किया तो शायद मैं अपने मॉम से अपने भाई से दोबारा मिल नहीं पाऊंगी। चुफियन कहता है अगर उन्होंने तुम्हें मुझे बेच भी दिया है तो इसमें भी तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। सॉन्ग अभी भी बहुत परेशान थी। चुफियन अपने डैड से बात करता है, उनसे पूछता है कि क्या ये बात सच है कि सॉन्ग की मॉम ने उन्हें सेल कर दिया। उसके डैड कहते हैं हाँ, उसकी मॉम बहुत ही लालची है और अगर तुम नहीं होती तो वो किसी भी बंदे के साथ उसे बेचने वाली थी। ये सुनकर चुफियन को बहुत ही दुख होता है सॉन्ग के लिए। अब वो सॉन्ग की मॉम से मिलने जाता है, उन्हें बहुत ही डांटता है कि आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया। सॉन्ग की मॉम तो बस उल्टा सीधा बोलने लगती है, अभी भी वो बस पैसों की बात कर रही थी। ये देखकर चुफियन उन्हें डांटने लगता है आपने मुझसे पैसे लिए सॉन्ग को बेच दिया, अब दोबारा उसे परेशान करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं आपकी खुशी एक मिनट में खत्म कर दूंगा, उसे डिवोर्स कर दूंगा, आपसे सारे पैसे छीन लूंगा। सॉन्ग की मॉम बिल्कुल डर जाती है। चुफियन जैसे घर जाता है वो सॉन्ग को देखता है। सॉन्ग को बहुत तेज फीवर हो चुका था, वो नींद में भी बस एक ही बात कह रही थी कि मॉम मुझे छोड़कर मत जाना, मैं आपको खो नहीं सकती। ये सुनकर चुफियन को दुख होता है, वो उसकी केयर करता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं सॉन्ग की नींद टूटती है, उसका फीवर उतर चुका था, वो अब ठीक हो चुकी थी। पर वो देखती कि उसके कपड़े चेंज चुफियान ने किए थे। ये देखकर बहुत ही एम्बैरस फील करती है। वो चुफियान को डांटने लगती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, वो बुरा भला बोलने लगती है। चुफियान भी बहुत नोटी था, वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारे कपड़े चेंज किए, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। वो उसके बस पास आते जा रहा था। अब सॉन्ग किसी तरह उसे दूर होती है। अब हम देखते हैं सॉन्ग जॉब पे है, वो बहुत ही खुश थी क्योंकि चुफियान उसकी बहुत ही केयर कर रहा था। उसका हैप्पी मूड देखकर कलिक जेलस होने लगती है, वो कहती है ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी खुश हो। पर सॉन्ग कुछ भी नहीं बताती। अब कलिक कहती है क्या तुमने मेरे प्रमोशन की बात करी। सॉन्ग कहती है नहीं, हमें साथ में हार्ड वर्क करना होगा। हम देखते हैं कि सॉन्ग को उसकी मॉम का भी कॉल आता है जो उसे माफी मांगती है। अब हम देखते हैं सॉन्ग घर पे है, वो फिश बना रही है चुफियान के लिए, बहुत ही हैप्पी मूड में थी। कुछ देर बाद चुफियान वहाँ पर आता है। सॉन्ग कहती है देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना रही हूँ। चुफियान फिश को देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है। सॉन्ग को हट करते हुए कहता है तुम्हें किसने भेजा है मुझे मारने के लिए, तुमने फिश लाने की हिम्मत कैसे करी। सॉन्ग ये देखकर डर जाती है, वो कहती है मैं नहीं जानती कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम फिश से नफरत करते हो। पर चुफियान बिल्कुल नहीं सुनता उसकी, चुफियान बहुत ही गुस्से में था। अब हम देखते हैं रात हो चुकी है, सॉन्ग अभी भी डरी हुई है कि कहीं चुफियान कुछ गलत न कर दे। चुफियान के हाथ में नाइफ है, वो गुस्से में सॉन्ग के पास आता है, उसे मारने की कोशिश करता है और पूछता है ये बताओ तुम कौन हो, तुम्हें किसने भेजा है मुझे मारने के लिए। सॉन्ग डरते हुए कहती है नहीं मैं तो तुम्हारे लिए बस डिनर बनाने की कोशिश कर रही थी। तभी हम देखते हैं ये तो सॉन्ग का सपना था, वो बहुत ही घबराई हुई थी। हम देखते हैं कि चुफियान उसके सामने ही है। ये देखकर सॉन्ग और भी डर जाती है, वो चुफियान को कहती है क्या तुम मुझे मारने आए हो। चुफियान उसके पास आता है, अपनी हरकत के लिए माफी मांगता है। सॉन्ग बिल्कुल डरी हुई थी, वो कहती है चलो हम दोनों डिवोर्स कर लेते हैं। अब हम देखते हैं सॉन्ग अपनी जॉब पे है, वो बहुत ही परेशान है। वो अपने मैनेजर से पूछती है क्या फिश से नफरत करती हो। मैनेजर कहती है नहीं मैं फिश से नफरत नहीं करती, लेकिन मेरा एक रिलेटिव है जो फिश से बहुत ही नफरत करता है। मिस्टर सेन शॉप पे आते हैं, वो सॉन्ग से बात करते हैं, वो उसे मैनेजर को ऑफर देते हैं। वे एक नई शॉप ओपन करने वाले थे, पर इस ऑफर को सॉन्ग मना कर देती है। वो कहती है मैं जो भी करना चाहती हूँ अपने हार्डवर्क पे अचीव करना चाहती हूँ। ये देखकर मिस्टर सेन उसकी बहुत तारीफ करते हैं, उसके नोज को भी टच करते हैं। सॉन्ग कहती है मैं बड़ी हो चुकी हूँ, आप मेरे नोज को अब टच नहीं कर सकते। ये सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। हम देखते हैं ये सब दूर से चुफियान देख रहा था, वो बहुत ही जेलस था, उसके हाथ में रोज भी था। छुट्टी के टाइम पे मिस्टर सेन जब जा रहे थे सॉन्ग गलती से गिरने वाली थी, मिस्टर सेन उसे बचा लेते हैं। अब उनको एक मौका मिल चुका था, वो अपनी फीलिंग सॉन्ग को बता देते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं स्कूल टाइम से ही तुम्हें लाइक करता हूँ और अभी चाइना में सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। वो उसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए अपनी वाइफ बनने के लिए प्रपोज कर रहे थे। सॉन्ग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है, वो उन्हें
उन्हें बताने वाली थी कि वो मैरिड है, तभी वहाँ चुफियान आ जाता है और सोंग का हाथ पकड़ लेता है। मिस्टर सेन कहता है कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? चुफियान कहता है हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, हम दोनों साथ में रहते हैं। चुफियान ने सोंग को बहुत ही फोर्सफुली पकड़ा था। सोंग जो थी वो बहुत ही हर्ट फील कर रही थी, वो बार बार चुफियान से दूर जाने की कोशिश कर रही थी और चुफियान जो था वो मिस्टर सेन को डांटे जा रहा था। मिस्टर सेन कहते हैं कि मुझे नहीं लगता सोंग तुम्हारे साथ खुश है, तुम्हें उसे डिवोर्स कर देना चाहिए। पर चुफियान कहता है नहीं मैं ऐसा क्यों करूंगा, ये मेरी वाइफ है। अब मिस्टर सेन सोंग से बात करते हैं, वो कहते हैं कि तुम इसे डिवोर्स क्यों नहीं लेती, तुम इसके साथ क्यों हो? सोंग कहते हैं कि आप भी जानते हो मैं भी आपको स्कूल टाइम पे लाइक करती थी, पर अब टाइम चेंज हो चुका है, अब सब कुछ सेम नहीं है, मैं मैरिड हूँ, आपको भी मूव ऑन कर लेना चाहिए। मिस्टर सेन सोंग को समझाने लगते हैं, वो कहते हैं मैं तुम्हारे जवाब का वेट करूंगा, प्लीज अपने दिल से सोचो तुम किसके साथ खुश हो। चुफियान ये देखकर गुस्से में वहां से चला जाता है। सोंग भी कंफ्यूज थी कि वो क्या करे। अब हम देखते हैं कि चुफियान घर जा रहा है, उसके हाथों में फ्लावर्स हैं जो उसने सोंग के लिए गिफ्ट लिया था, वो अभी भी उसके हाथ में है। वो बहुत ही सैड है, उसे लग रहा है कि शायद सोंग मिस्टर सेन के साथ चली गई। पर तभी पीछे से सोंग आती है, वो उसके हाथों से फ्लावर्स ले लेती है और कहती है चुफियान मुझे घर लेके चलो, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। सोंग अब क्या कहना चाहती है, क्या वो चुफियान के साथ रहेगी? अब सोंग उसके पीछे जाती है, उसे रोकती है और कहती है चलो साथ में घर चलते हैं। आगे हम देखते हैं चुफियान सोया हुआ है, वो एक डरावना सपना देखता है जिसमें चारों तरफ मछलियां है, कोई उसे डरा रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है। तभी उसकी नींद टूट जाती है, वो देखता है कि सोंग उसके सामने है। वो सोंग को कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई, क्या तुम मुझे सीडियोस कर रही हो? सोंग कहती है नहीं मैं तो तुम्हारी चिल्लाने की आवाज सुनकर यहाँ पर आई हूँ। अब चुफियान कहता है तुम मेरे रूम में आई बिना परमिशन के, मैंने तुम्हें वार्निंग भी दी थी, लेकिन अब तुम्हारी पनिशमेंट ये है, जब तक मुझे नींद नहीं आ जाती तुम्हें यहीं पर बैठे रहना है। सोंग गुस्सा करते हुए वहीं बैठ जाती है, वो उसके चेहरे को देखने लगती है। नेक्स्ट डे सोंग जब जॉब पे जाती है वहाँ उसकी कली को प्रमोट कर दिया जाता है जबकि वो बहुत ही आलसी है। सोंग अब अपने काम में लगी हुई थी पर जो उसकी कलिक थी उसे प्रमोट करने के कारण उसके नखरे और भी बढ़ गए थे। वो सोंग को और भी ताने दे रही थी, कह रही थी कि तुम तो इतने लोगों को जानती हो पर तुम्हें तो कोई भी प्रमोट नहीं कर पाया। सोंग चुपचाप काम कर रही थी। अब हम देखते हैं सोंग घर पे है, तभी डोर को कोई नॉक करता है। डोर जब वो ओपन करती है वहाँ पर जेनिफर नाम की गर्ल आती है। घर में आती है वो चुफियान को गले लगाती है, उसे किस करती है, बार बार कहती है मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रही थी, और चुफियान उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। ये सब देख सोंग बहुत ही जेलस फील करती है, वो गुस्से में कहती है कि ठीक है मैं बाहर जा रही हूँ, तुम दोनों कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे वो बाहर जाती है उसकी मोम उसे कॉल करती है, बार बार कहती है कि तुम्हारी मोम बस मरने ही जा रही है, उसकी हालत बहुत ही खराब है, जल्दी से घर पे आओ। उधर जेनिफर चुफियान को सीरियस कर रही थी, बार बार उसके पास जा रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि दोनों पहले रिलेशनशिप में थे पर इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। चुफियान से कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं मैरिड हूँ, मेरी एक वाइफ है और तुम्हारे कारण वो गुस्सा भी हो गई। पर जेनिफर उसे रोमांटिक तरीके से कहती है कि ये मेरे होटल रूम का नंबर है, यहाँ पर आ जाना। उधर हम सोंग को देखते हैं जो अपने मोम के पास थी। उसकी मोम हमेशा की तरह बस पैसे की बात कर रही थी, उसे पैसे मांग रही थी, कह रही थी कि जाओ चुफियान के पास और उसे कुछ पैसे लेके आओ। सोंग कहती है ये ऐसा क्यों, अभी तो 20 मिलियन मिले थे आपको, उसकी मोम ने वो सारे पैसे स्टॉक में डुबा दिए थे और अब सोंग के भाई के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। सोंग उन पे गुस्सा करती है पर उसकी मोम उसे स्लैप भी करती है, उसे बहुत डांटती है कि तुम तो खुद अमीर की जिंदगी जी रही हो लेकिन हमें क्यों ऐसे छोड़ रही हो, अगर तुम पैसे लेके नहीं आई तो मेरा और अपने भाई का तुम कभी मुंह नहीं देख पाओगी। सोंग परेशान हो जाती है। उधर चुफियान सोंग को बार बार कॉल करता है पर सोंग शर्म के मारे उसका कॉल नहीं उठाती है। अब जैसे नेक्स्ट होता है सोंग अपनी जॉब पे जा रही थी, रास्ते में चुफियान उसे मिलता है, वो उसे रोकते हुए कहता है कि रात को तुम कहाँ गई थी और क्या तुम जेलस हो रही थी। सोंग कहती है कौन जेलस हो रहा है, वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम जब चाहे उसके पास जाओ, जितना टाइम उसके साथ स्पेंड करना है स्पेंड करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुफियान कहता है ठीक है लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे जाने के बाद ही जेनिफर भी वहां से चली गई थी, लेकिन तुम कहां पर थी सोंग उसे नहीं बताती पर उसकी जिद करने पर उसे बताना पड़ता है। वो कहती है कि मैं रात भर अपनी मॉम के साथ थी। अब चुफियान वहां से जाने लगता है ये कहते हुए अगर अगली बार तुमने कॉल नहीं उठाया तो तुम पनिशमेंट जानती हो। अब सोंग सीधे जॉब पे जाती है, वो थोड़ी सी लेट हो गई थी, जो उसकी कलीग थी वो उसे बहुत डांटती है, कहती है तुम्हें पता नहीं है अगर अगली बार लेट हुई तो सीधा जॉब से बाहर निकलोगी। सोंग से माफी मांगती है, तभी वहाँ स्टोर मैनेजर आती है, वो कहती है कि मेरा ट्रांसफर हो गया है और तुम्हें प्रमोशन मिल चुका है, आज से तुम यहाँ के स्टोर मैनेजर हो। सोंग की जो कलीग थी उसका तो मुंह ही बंद हो जाता है। अब वो सोंग को मक्खन लगाने लगती है क्योंकि उसकी भी जॉब जा सकती है सोंग के कारण। कुछ देर बाद शॉप पे जेनिफर आती है सोंग से मिलने, वो सोंग को कहती है मैं तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री सब कुछ जान चुकी हूँ कि तुमने ये मैरिज क्यों की थी। अब जेनिफर सोंग को 20 मिलियन चेक देती है, उसके साथ एक और चेक देती है कुछ मिलियंस का, ये कहते हुए ये पैसे लो और चुफियान को डिवोर्स दे दो। सोंग वो चेक को फाड़ देती है और कहती है अगर चुफियान तुमसे प्यार करता है तो वो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा, मैं तो हमेशा से रेडी हूँ उसे डिवोर्स देने के लिए, अगर वो आज चाहता है डिवोर्स लेना तो मैं आज ही दे दूंगी, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं।
जेनिफर बहुत ही शॉक थी सॉन्ग के रिएक्शन से। उसके जाते ही कली वो चेक को देखती है। वो सॉन्ग को कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुमने इतने मिलियंस का चेक फाड़ दिया। सॉन्ग कहती है इस दुनिया में पैसे से ज्यादा भी कीमती एक चीज होती है जिसका नाम होता है इज्जत। अब सॉन्ग शाम को डिनर बना रही थी चूफियान के लिए। वो मन में सोच रही थी मैं आज चूफियान से माफी मांगूंगी, मैं उसे कितना गलत समझ रही थी। तभी वहाँ चूफियान आता है, वो एक ब्रेसलेट लाया था सॉन्ग के लिए, वो उसे पहना देता है। वो पूरा डायमंड्स का था। सॉन्ग कहती है बहुत ही महंगा होगा। चूफियान कहते नहीं रास्ते में खरीदा था, स्टॉल लगी थी। पर सॉन्ग जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है। वो उसे थैंक्स कहती है। चूफियान कहता है थैंक्स कहने का एक तरीका होता है, चलो मेरे साथ बात लो। सॉन्ग मना करने लगती है पर चूफियान जिद करता है। अब हम देखते हैं चूफियान बाथरूम में, वहीं पर सॉन्ग उसकी बात लाने में हेल्प करती है। वो उसे पूछती है चूफियान तुम फिर से नफरत क्यों करते हो। ये सुनकर चूफियान को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मैं कल की बात को जब भी याद करता हूँ मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। सॉन्ग भी गुस्से में कहती है तुम्हें भी किसने कहा था जेनिफर को बार बार गले लगाने को। अब चूफियान कहता है अच्छा तुम जेलस फील कर रही हो, चलो खुद ही ट्राई कर लो, तुम मुझे गले लगा सकती हो, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। सॉन्ग अब डर जाती है, वो कहती है कि नहीं मैं कुछ भी नहीं करने वाली। वो वहां से जाने लगती है। अब हम देखते हैं सॉन्ग बेड पे है और चूफियान उसके ऊपर है, वो उसके पास जा रहा था। सॉन्ग कहती है ठीक है तुम मुझे टच कर सकते हो लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम मुझे बता दो कि तुम फिर से नफरत क्यों करते हो। ये सुनकर चूफियान उसे दूर हो जाता है। वो कहता है तुम जा सकती हो अपने रूम में, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। सॉन्ग हंसने लगती है और मन में सोचती है आखिर ये क्यों नहीं बता रहा कि ये फिर से नफरत क्यों करता है। अब नेक्स्ट डे जैसे स्टार्ट होता है हम देखते हैं कि सॉन्ग ने घर में दो फिश लाई है, वो उन्हें देखती जा रही है। चूफियान ये देखकर बहुत ही गुस्से में था, उसके हाथ में रोड थी, वो उसे तोड़ने वाला था। सॉन्ग उसे रोकती है, उसे प्यार से समझाती है इनमें फिश की क्या गलती है, हम तो इंसान है, हम तो फीलिंग समझ सकते हैं। वो उसके डर को दूर करने की कोशिश करती है। अब चूफियान कहता है ठीक है तुम मुझे हस्बैंड कहो तभी मैं तुम्हारी बात मानूंगा। सॉन्ग बोलने की कोशिश करती है पर वो बहुत ही हेजिटेट हो रही थी। चूफियान कहता है क्या तुम्हारा हस्बैंड जेल में है या मर चुका है। अब सॉन्ग से हस्बैंड बोलने ही वाली थी तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम हम देखते हैं जो लोगों के साथ पैसों का गेम खेल रही थी, सारे पैसे उसमें डुबाते जा रही थी और सॉन्ग को डांट रही थी कि तुम अब तक पैसे लेके क्यों नहीं आई, चूफियान से पैसे मांगे या नहीं मांगे। ये कॉल तो चूफियान ने भी देख लिया था। वो कहता है कि फोन स्पीकर पे करो, फोन स्पीकर पे करती वो सारी बातें चूफियान सुन लेता है। वो बहुत ही गुस्से में आ गया था, वो उसकी मॉम को बोलने वाला था, डांटने वाला था पर सॉन्ग उसे रोकती है और अपनी मॉम से बार बार रिक्वेस्ट करती है कि मैं थोड़ी देर में आपसे मिलने आऊंगी। चूफियान उसे डांटता है, वो कहता है कि तुम अपने मॉम को क्यों नहीं समझाती, वो हमेशा तुम्हें बुली करती है। आगे वो अपनी मॉम से मिलने जाती है, उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम पैसे लेके नहीं आई। सॉन्ग बार बार रिक्वेस्ट करती है चलो क्यों ना हम इस विला को बेच देते हैं, इससे कुछ पैसे आ जाएंगे। उसकी मॉम उसे चाटा मारती है और कहती है नहीं तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, और कहती है अगर कल तक तुम मिलियंस पैसे लेके नहीं आई तो तुम अपने भाई और मुझे भूल ही जाना। सॉन्ग परेशान हो जाती है कि वो क्या करे। आगे वो चूफियान से मिलती है, वो हेजिटेट फील करते हुए कहती है कि मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। चूफियान कहते हैं कितने रुपए चाहिए, सॉन्ग कहती है 10,000। वो अपना मुंह छिपा रही थी, चूफियान उसे अपने पास लाता है। वो समझ गया था कि उसकी मॉम ने फिर से उसे बुली किया। सॉन्ग कहती है प्लीज मैं अपनी मॉम को खुद संभालूंगी, तुम उनके साथ कुछ भी मत करना। पर चूफियान कहता है नहीं अब मैं नहीं रुकूंगा। आगे हम देखते हैं सॉन्ग चूफियान से पैसे लेकर अपनी मॉम के पास जाती है। उसकी मॉम कहती है कि ये 10,000 क्यों लाई हो। सॉन्ग अपनी मॉम से बार रिक्वेस्ट करती है कि क्यों ना हम विला को बेच दें, पर उसकी मॉम उसे बार बार स्लैप करती है, उसे डांटती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इसकी बायोलॉजिकल मॉम नहीं है, सॉन्ग की असली मॉम की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी और अभी सॉन्ग की स्टेप मॉम बार बार उसे डांट रही थी कि शायद तुम मेरी रियल डॉटर नहीं हो इसीलिए ऐसा कर रही हो। सॉन्ग ये सुन रोने लगती है। हम देखते हैं कि चूफियान दूर से सारी बातें सुन रहा था, वो बहुत ही गुस्से में आ चुका था। अब वो वहाँ पर जाता है, सॉन्ग की मॉम को बहुत डांटता है और कहता है अगली बार तुमने फिर से सॉन्ग का दिल दुखाया तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वो सॉन्ग को लेकर वहाँ से चला जाता है। सॉन्ग और चूफियान साथ में थे, चूफियान सॉन्ग के पास जाता है, उसे कहता है कि मैं आज फिश खाना चाहता हूँ। ये सुनकर सॉन्ग बिल्कुल हैरान थे। अब वो उसके लिए पॉलिश बनाती है, चूफियान को कहती है लगभग तैयार हो चुका है, वैसे क्यों ना हम कल शार्क को देखने चले, हमने फिश को तो देख ही लिया है। ये सुनकर चूफियान को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है तुम मुझे फिर से डराने की कोशिश कर रही हो, जल्दी से पॉलिश बनाओ नहीं तो उससे पहले मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। सॉन्ग मन में सोचती है कि हर बार मुझे डराता क्यों है। अब सॉन्ग चूफियान को पॉलिश सर्व करती है, चूफियान पूरी कोशिश कर रहा था उसको खाने का पर वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सॉन्ग बस उसे देखी जा रही थी तभी कई बार सॉन्ग को कॉल आते हैं, वो फ्रॉड कॉल थे। सॉन्ग अपने फोन को देख रही थी, ये देखकर चूफियान का मूड चेंज हो जाता है, वो अब कहता है नहीं मैं फुल हूँ तुम इसे खा सकती हो। वो बिना खाए अपने रूम में चला जाता है। सॉन्ग बहुत ही गुस्सा हो रही थी। आगे हम देखते हैं सॉन्ग अपनी जॉब पे है, वहाँ पर मिस्टर सैन उसे मिलने आते हैं, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि सॉन्ग का प्रमोशन हो गया था। सॉन्ग भी बहुत खुश थी मिस्टर सैन को देखकर। अब मिस्टर सैन कहते हैं क्या तुमने डिसाइड कर लिया। सॉन्ग मना कर देती है, वो कहती है नहीं, पर मिस्टर सैन बार बार उसे रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं तुम अपने दिल से सोचो, मुझे नहीं लगता तुम चूफियान से प्यार करती हो और हमेशा वो तुम्हें फोर्स करता है। सॉन्ग कहती है मेरी लाइफ है, मैं डिसाइड करूंगी मैं किसके साथ रहूं या ना रहूं। मिस्टर सैन कहते हैं मैं तुम्हारा वेट करूंगा। अब वो वहां से चले जाते हैं।
सॉन्ग की जो कलिक थी वो सॉन्ग को कहती है कि सच में तुम बहुत ही बहादुर हो, तुम लोगों को रिजेक्ट करने में माहिर हो। मिस्टर सन के जाते ही सॉन्ग चूफियान को कॉल करती है और कहती है अभी मिस्टर सन मुझसे मिलने आए थे, क्या तुम जाना चाहते हो उन्होंने मुझसे क्या कहा। चूफियान कहता है कि नहीं मैं बिजी हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ ही मिनटों बाद हम देखते हैं तो वहाँ एक लेडी आती है, सॉन्ग से लड़ने लगती है, कहती है तुमने मेरे हस्बैंड को फंसा लिया और हमारी रिलेशनशिप खराब कर दी। सॉन्ग कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है। तभी हम देखते हैं मिस्टर सेन वहाँ पे आते हैं, वो उस लेडी को समझाने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो लेडी मिस्टर सेन की वाइफ थी, दोनों डिवोर्स ले चुके हैं, पर उस लेडी को लगता है कि डिवोर्स का कारण सॉन्ग है। मिस्टर सेन अपनी वाइफ को समझाते हुए वहाँ से लेकर जाते हैं। सॉन्ग बहुत ही कंफ्यूज थी, वो अपना काम कर रही थी, उसकी जो कलीग थी उसका भी मुंह बंद नहीं था, वो भी बस बातों को बढ़ा चढ़ा कर सॉन्ग को डांटे जा रही थी, कह रही थी कि तुम्हें दूसरों के बॉयफ्रेंड को नहीं फंसाना चाहिए। सॉन्ग ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ चुकी थी, कलीग को बहुत डांटती है। तभी कुछ देर बाद देखते हैं सॉन्ग से मिस्टर सेन मिलने आते हैं, उसे बार बार समझाते हैं कि तुम मेरे पास कब आओगी। सॉन्ग कहती है कि देखो तुम भी मैरिड हो, मैं भी मैरिड हूँ, मुझे उम्मीद है कि हम फ्यूचर में भी अच्छे दोस्त बने रहेंगे, अच्छे कलीग बने रहेंगे, प्लीज आप मुझे भूल जाओ। पर मिस्टर सेन बार बार उसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। उधर जो सॉन्ग की कलीग थी वो ये सारी बातें किसी को कॉल पे बता रही थी और मन में कह रही थी सॉन्ग मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। उधर सॉन्ग बार बार मिस्टर सेन को समझाती है, बार बार कहती है कि प्लीज आप मुझे भूल जाओ, पर मिस्टर सेन कहते हैं मैंने चाइना में आते डिसाइड कर लिया था इस बार मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा। वो सॉन्ग को फोर्स करने लगे थे। और तभी हम देखते हैं सॉन्ग किसी को देखती है और देखकर डर जाती है। हम देखते हैं कि वो चूफियान था, वो बिल्कुल जल भुन चुका था गुस्से में। वो अब फटाफट सॉन्ग का हाथ पकड़ता है और मिस्टर सेन को डांटता है, कहता है कि तुम्हें दूसरों की वाइफ पर डोरी डालना बहुत ही अच्छा लगता है, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं ये मेरी वाइफ है। मिस्टर सेन बार बार कहते हैं ऐसा क्यों, मुझे नहीं लगता सॉन्ग तुम्हारे साथ खुश है और तुम उसे लाइक करते हो। पर चूफियान कहता है नहीं मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। वो अब सॉन्ग को लेकर वहां से चला जाता है। घर आते ही सॉन्ग चूफियान से माफी मांगती है। चूफियान गुस्से में था, वो कहता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि बाहर कोई भी तुम पर डोरी डालना लगता है, तुम मेंस को सीड्यूस करने जाती हो क्या। सॉन्ग कहती है ऐसा क्यों कह रहे हो तुम। सॉन्ग चूफियान के लिए खाने में कुछ बनाने वाली थी पर चूफियान मना कर देता है, वो कहता है कहीं तुम उसमें पॉइजन ना मिला दो। कुछ देर में हम देखते हैं सॉन्ग सो चुकी है, चूफियान ने खास उसके लिए नूडल्स बनाए हैं। वो सॉन्ग को कहता है जल्दी से इसे खा लो, आज पहली बार मैंने किसी के लिए कुछ बनाया है। सॉन्ग तो नींद में थी, वो कहती है कि नहीं मुझे नींद आ रही है। वो चूफियान के गले लग जाती है और सो जाती है। चूफियान भी कुछ नहीं कहता, वो मनी मन बहुत ही खुश था। नेक्स्ट सॉन्ग जैसे शॉप पे जाती है वो काम कर रही थी, तभी वहाँ पर मिस्टर सेन की वाइफ आती है जो उसे डांटते हुए कहती है मुझे पता चला है, वैसे वो इस शॉप की डायरेक्टर है। वो सॉन्ग को कहती है मुझे पता चला है तुम पेस्ट्रीज में केक में गंदे क्रीम को यूज करती हो। सॉन्ग कहती है ऐसे कैसे हो सकता है। अब डायरेक्टर चेक करवाती है, उसे वहाँ पर बेकार क्रीम मिल जाती है। वो सॉन्ग को डांटने लगती है। सॉन्ग कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता, जो डायरेक्टर थी जो मिस्टर सेन की एक्स वाइफ है वो सॉन्ग को फायर कर देती है और जो उसकी कलीग थी उसे स्टोर मैनेजर बना देती है। तभी वहाँ पर मिस्टर सेन आते हैं, वो अपनी एक्स वाइफ को डांटने लगते हैं और कहते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता, कल मैं सॉन्ग के साथ था, मैं सारे कैमरेज देख कर बता दूंगा कि कौन दोषी और कौन नहीं। एक्स वाइफ कहती है ठीक है तुम चेक कर लेना, पर मुझे नहीं लगता तुम सॉन्ग को बचा पाओगी। वो क्रीम को गिराते हुए वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं मिस्टर सेन और सॉन्ग साथ में सारे कैमरेज वीडियो देख रहे थे पर उन्हें कहीं भी कुछ भी नहीं दिखता, दोनों चिंता में पड़ जाते हैं। तभी सॉन्ग को एक आइडिया आता है, वो कहती है कि कल स्टोर पे जो भी बंदा हमारे शॉप पे आया होगा, जितनी भी कार आई होगी हम उनको चेक कर सकते हैं, उन्हीं में से कोई बंदा होगा। आगे हम देखते हैं दोनों को पता चल चुका है कि ये किसने किया है, जो कलीग थी इसी ने ये सब किया था डायरेक्टर के कहने पे यानी एक्स वाइफ के कहने पे। मिस्टर सेन अपनी वाइफ से बात करते हैं, उसे कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। उनकी वाइफ भी मान जाती है कि हाँ ये मेरे कहने पे हुआ है। सॉन्ग पे बहुत ही गुस्सा कर रही थी, उससे फाइट करने वाली थी। मिस्टर सेन किसी तरह उन्हें रोकते हैं। एक्स वाइफ जो थी वो सॉन्ग को बहुत डांटती है कि तुम्हारे कारण ही मेरा डिवोर्स हो गया, तुम मेरे हस्बैंड पे डोरे डाल रही हो। सॉन्ग परेशान हो चुकी थी, वो अपनी कली को बहुत डांटती है कि वो आगे से ऐसी हरकत ना करें। मिस्टर सेन बहुत ही शर्मिंदा थे अपने एक्स वाइफ की हरकत पे, वो सॉन्ग से बार बार माफी मांगते हैं, उसके काम में भी हेल्प करते हैं। सॉन्ग भी उन्हें माफ कर देती है। हम देखते हैं कि दूर से कोई वहीं पर एक कस्टमर था जो उन दोनों की एक पिक्चर खींच लेता है और वो फोटो चूफियान के एक्स गर्लफ्रेंड को भेज देता है। वो एक्स गर्लफ्रेंड वो फोटो चूफियान को भेज देती है। चूफियान ये फोटो देख बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड से बात करता है। एक्स गर्लफ्रेंड कहती है देखो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, सॉन्ग तुमसे प्यार नहीं करती, उसका किसी और के साथ अफेयर है, इस फोटो में साफ साफ दिख रहा है। चूफियान कहता है तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। उधर सॉन्ग अब घर जा रही थी। मिस्टर सेन कहते हैं चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, सॉन्ग मना कर देती है। तभी चूफियान भी वहाँ आ जाता है। वो मिस्टर सेन को डांटते हुए कहता है मैं पहली बार किसी आदमी को देख रहा हूँ जो किसी की वाइफ को इतने साहस के साथ चुराने की कोशिश कर रहा है। सॉन्ग कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो मुझे घर छोड़ने की बात कर रहे थे। चूफियान कहता है अच्छा ऐसा है तो मुझे भी घर छोड़ दो, क्यों ना तुम मेरे घर पे रहना स्टार्ट कर दो।
वो अब सोंग को फोर्सफुली पकड़ते हुए लेके जाने लगता है। मिस्टर सिंह कहते हैं तुम गलत कर रहे हो। चूफियान मिस्टर सिंह को डांटते हुए वहाँ से चला जाता है। अब चूफियान और सोंग साथ में थे, दोनों घर जा रहे थे। सोंग बहुत ही सैड थी। चूफियान कहता है क्या तुम मिस्टर सिंह को लाइक करती हो, उन्हें मिस कर रही हो। सोंग कहती है तुम ऐसा क्यों सोचते हो, अगर तुम उसे प्यार करते हो तो थोड़ा तो भरोसा करो, मैं तुम्हें चीट क्यों करूंगी। चूफियान कहता है मैं किसी भी प्यार पे विश्वास नहीं करता, मैं बस ये जानता हूँ तुम मेरी वाइफ हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। ये सुनकर सोंग गुस्से में आ जाती है। वो कहती है भले ही तुम मेरे हस्बैंड हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। वो वहाँ से अब चली जाती है। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं, सोंग अपने जॉब पे जा रही थी, चूफियान उसे रोकता है, कहता है तुमने मेरा ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। सोंग बार बार मना करती है, उसका बनाने का मन नहीं था पर चूफियान की जिद करने पर उसे बनाना पड़ता है। वो फिश पॉरिज बना देती है, चूफियान देखकर गुस्से में जाता है। सोंग उसे टीज कर रही थी पर चूफियान उसे होटल लेके जाता है, वहाँ कहता है चलो अब मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो। चूफियान सोंग को ताना देते हुए कहता है कि तुम्हें मिस्टर सिंह इतने पसंद है, तुम एक छोटे से शॉप पे बस उनके लिए काम करती हो ना, तुम इस होटल के देख रही हो, मैं ऐसे 10 होटल खोल दूंगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तुम्हें दूंगा, क्या तुम एक्सेप्ट करोगी। सोंग मना कर देती है। वो कहती है कि तुम्हें रिस्पेक्ट करना नहीं आता ना दूसरों की। गलती से चूफियान के मुंह से निकल जाता है कि तुम्हें तभी वो पैसे भी लौटाने हैं। ये सुनकर सोंग का दिल टूट जाता है। वो अब गुस्से में खड़ी हो जाती है और कहती है मैं वो पैसे कैसे भी करके तुम्हें लौटा दूंगी। सोंग वहां से चली जाती है। चूफियान भी सैड हो जाता है। वो अपने साथ में एक रिंग भी लाया था, ऐसा लग रहा था कि शायद आज वो उसे प्रपोज करने वाला था पर उसने अपने आप ही वो सिचुएशन खराब कर दी। अब सोंग जॉब पे थी, वहाँ मिस्टर सेनो से मिलते हैं। वो उसको रोता हुआ देख उसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया। सोंग ने साफ साफ बोल देती है मुझे विश्वास है कि आप मेरी एक अच्छे फ्रेंड बनकर रहेंगे और प्लीज एक डिस्टेंस बना कर रखें, अगर आपने वो पार किया तो हम दोनों की दोस्ती टूट सकती है और ये जॉब भी मैं छोड़ सकती हूँ। ये सुनकर मिस्टर सेनो उदास हो जाते हैं। अब वो फटाफट चूफियान को कॉल करते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम सोंग को इतना हर्ट क्यों कर रहे हो, उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे रहे। चूफियान को तो गुस्सा आ रहा था। वो कहता है मिस्टर सेन तुम अभी भी उसको भुला नहीं पाए हो, मेरे बाद तुम उसके पास आ जाओगे इसीलिए डिवोर्स के लिए कह रहे हो है ना। मिस्टर सेन कहते हैं नहीं मुझे नहीं लगता वो मुझे अब लाइक करती है ना ही तुम्हें, लेकिन प्लीज वो भी एक इंसान है, तुम उसे आजाद कर दो, वो पहले ही बहुत हर्ट हो चुकी है। चूफियान उनकी बात समझ जाता है, उसे भी अब एहसास हो रहा था कि शायद वो सोंग के साथ गलत कर रहा है। अब शाम को चूफियान सोंग से मिलता है और उसे कहता है क्या तुम उससे नफरत करती हो, क्या तुम उससे दूर जाना चाहती हो। सोंग कहती है हाँ मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, तुम बहुत ही एरोगेंट हो। चूफियान कहता है ठीक है कल तुम मेरे लॉयर से मिलना और मुझसे डिवोर्स कर लेना। सोंग इस दिन बिल्कुल शॉक थी, वो कहती है कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। सोंग ने डिवोर्स का तो सोच लिया था, मनी में वो बहुत ही सैड थी, वो उसे मिस कर रही थी, वो बस रोई जा रही थी, वो कंफ्यूज थी कि वो चूफियान को क्यों मिस कर रही है। हम तो जानते हैं चूफियान अब सोंग को लाइक करता है, सोंग भी चूफियान को लाइक करती है पर कहीं ना कहीं वे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उधर चूफियान घर जाता है, हर जगह उसे सोंग ही सोंग दिखाई दे रही थी, वो उसे बहुत मिस कर रहा था। अब वो एक बार में जाता है, वहाँ ड्रिंक करने लगता है, वहीं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आती है। वो उसे कहती है तुम्हें पता है तुम सोंग को लाइक करते हो लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे। चूफियान कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कहती है वैसे मैं सोंग को थैंक्स कहना चाहती हूँ, उसके कारण तुम चेंज हो गए, मैं भी चेंज हो गई, मैंने अपने आप को ढूंढ लिया कि मेरा पर्पज क्या है। नेक्स्ट डे वो सोंग से मिलती है, वो अपने जॉब पे थी। सोंग को वो बार बार थैंक्स कहती है, सोंग उसको देख हैरान थी। वो कहती है अगर तुम ये कहने आई हो कि तुम मैं चूफियान से दूर हो जाऊं तो ये हो चुका है, मैं उसे डिवोर्स ले चुकी हूं, तुम चाहो तो उसके पास जा सकती हो। एक्स गर्लफ्रेंड कहती है नहीं मैं इसके लिए नहीं आई। सोंग उसे उसका परफ्यूम देती है जो कि उसने चूफियान को सेंड किया था। चूफियान की गर्लफ्रेंड वो परफ्यूम नहीं लेती और कहती है आगे से चूफियान की जो चीज है उसका हैंडल तुम ही करो, मैं नहीं करने वाली। वो वहाँ से चली जाती है। उधर चूफियान अपने डैड से मिलता है और कहता है कि मुझे लगता है सोंग के बारे में आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। उसके डैड कहते हैं हाँ तुम सही टाइम पे आए हो। वे कहते हैं सोंग के डैड ने तुम्हें बचाया था जब तुम्हारी जान खतरे में थी, जब तुम बहुत ही छोटे थे, लगभग 20 साल पहले की बात है। हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा था लेकिन एक इन्वेस्टर था जो कि इतना कर्ज में डूब गया कि उसकी फैमिली खत्म होने लगी और उसका इल्जाम उसने हम पे लगा दिया, मुझ पे लगा दिया। बदला लेने के लिए उसने तुम्हें किडनैप कर लिया, तुम्हें मारने की कोशिश की, चारों तरफ मछलियां ही मछलियां थी जिसके कारण तुम फिर से डरने लगे। वो तुम्हें मारने ही वाला था पर तभी सोंग के डैड ने तुम्हें बचा लिया, पर तुम्हें बचाने के वक्त उनकी जान चली गई। उसी टाइम से मैं सोंग का कर्जदार बन गया। उसकी स्टेप मॉम हमेशा उसे टॉर्चर करती, बुली करती। जब उसके वेडिंग का टाइम आया तो वो किसी को भी बेचना चाहती थी और मैंने तुम्हारी वेडिंग उसके साथ फिक्स कर दी। कर चुकाने का मेरे पास एक ही सोल्यूशन था कि सोंग को मैं अपने पास अपने घर ले आऊं। चूफियान ये सुन बहुत ही हैरान था। वो अपने डैड से कहता है आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अब उसके डैड कहते हैं इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि जिसने तुम्हें बचपन में किडनैप किया था वो अब जेल से बाहर आ चुका है और वो हो सके तो तुम पर या सोंग पर या हमारी फैमिली पर किसी पर दोबारा अटैक जरूर करेगा। उधर सोंग रास्ते में थी, वहीं पर चूफियान की सिस्टर उसे मिल जाती है और चूफियान की सिस्टर सोंग से लड़ने लगती है, वो भी बिना बात के। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिस इंसान ने चूफियान को किडनैप किया था बचपन में वो चूफियान की सिस्टर को देख लेता है, वो उस पर अटैक कर
करने वाला था, उसे मारने वाला था, पर सॉन्ग उसे बचा लेती है और खुद फंस जाती है। वो बंदा भी समझ गया था कि चुफियन की वाइफ है, वो उसे किडनैप कर लेता है। चुफियन की सिस्टर ये देख फटाफट कॉल करती है। सारी घटना सुनकर चुफियन भागा भागा सॉन्ग के पास जाता है। उसने सॉन्ग के फोन में ट्रैकर ऐप इंस्टॉल कर रखा था, जिसकी हेल्प से वो फटाफट उसके पास पहुंच जाता है। सॉन्ग के आसपास चारों तरफ मछलियां ही मछलियां थी, पर इस बार चुफियन नहीं डरता, क्योंकि सॉन्ग के कारण ही वो डर उसका खत्म हो चुका था। सॉन्ग के हाथ पर बंधे हुए थे, चुफियन उसको खोलने लगता है। तभी वहां पर वही बंदा आता है जिसने उसे बचपन में किडनैप किया था, वो उस पर अटैक करता है। सॉन्ग ये देख बिल्कुल हैरान थी, वो अब उस बंदे पर अटैक करने लगती है। वो बंदा उसे कहता है, क्या तुम चुफियन को इतना लाइक करती हो जो उसके लिए अपने लाइफ सैक्रिफाइस करना चाहती हो? सॉन्ग कहती है, हाँ वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसे खोना नहीं चाहती, मैं उसे प्यार करती हूँ। वो बंदा कहता है, ठीक है तुम दोनों को साथ में मैं खत्म कर दूंगा। वो सॉन्ग पर अटैक करने वाला था, पर तभी चुफियन उसे मार देता है। चुफियन भी घायल हो चुका था, वो भी बेहोश हो जाता है। सॉन्ग ये देख रोने लगती है, वो कहती है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आगे हम देखते हैं चुफियन हॉस्पिटल में है। सॉन्ग बस प्रे कर रही है कि चुफियन जल्दी ठीक हो जाए। बार बार चुफियन को कहती है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम्हें उठना ही होगा। चुफियन की आंखें खुलती है, उसे देखकर सॉन्ग कहती है, तुम उठ गए? चुफियन कहता है, तुम इतनी आवाज कर रही हो, मुझे जागना ही पड़ेगा। अब वो सॉन्ग को कहता है, मेरे साथ लेटो। सॉन्ग उसके साथ लेट जाती है। अब हम देखते हैं चुफियन के पास रिंग थी, सॉन्ग के हाथ में पहना देता है। ये सब देख सॉन्ग बहुत ही खुश होती है। चुफियन पूछता है, क्या तुम उससे प्यार करती हो? सॉन्ग कहती है, हाँ मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। अब हम फिस को देखते हैं। चुफियन उसे अपने साथ ही लाया था हॉस्पिटल में, वो उसे टीच करने लगता है। सॉन्ग कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें भी डॉक्टर की जरूरत है। चुफियन कहते हैं, नहीं मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। दोनों फ्लर्ट कर रहे थे और रोमांस भी कर रहे थे। इसी के साथ ये स्टोरी की एंडिंग होती है। उम्मीद है आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर से एक दूसरे ड्रामा में।